आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। द क्वेश्चन इज, फिगर शोज द इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। बेस्ड ऑन द ग्राफ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एट व्हिच पॉइंट्स ए, बी और सी इन द कर्व इज लाइट अ लिमिटिंग फैक्टर। देखो यहाँ पे हमें कर्व गिवन है, ठीक है, जिसमें एक्स एक्सिस पे लाइट इंटेंसिटी गिवन है एंड वाई एक्सिस पे फोटोसिंथेसिस रेट गिवन है। देखो हम इस कर्व में देखते हैं कि जैसे यहाँ पे रीजंस गिवन है ए, बी, सी एंड डी। देखो यहाँ पे जैसे जैसे हम लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस रेट इंक्रीज हो रही है, ठीक है। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम दैट इज डी पॉइंट, डी पॉइंट पे लाइट इंटेंसिटी ऑप्टिमम है। अगर हम उससे आगे अगर लाइट इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस रेट क्या हो गई है, कांस्टेंट हो गई है, आगे इंक्रीज नहीं हो रही, चाहे आप कितनी भी लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज कर लो, ठीक है। अब देखो कि हम कह सकते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस रेट है वो डिपेंड करती है लिमिटिंग फैक्टर के ऊपर। कि फोटोसिंथेसिस को कराने के लिए हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड पिगमेंट मॉलिक्यूल क्लोरोफिल, ठीक है, जिससे फर्दर बनता है ग्लूकोज, ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है एंड रिलीज होता है वाटर एंड ऑक्सीजन ऑल्सो, ठीक। तो देखो अब इस रिएक्शन को कराने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल इन सबकी जो अमाउंट है वो डिपेंड करती है। हम देखते हैं कि जो फैक्टर लिमिटिंग होगा, सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा, वो फोटोसिंथेसिस की रेट को डिसाइड करेगा कि कितनी फोटोसिंथेसिस रेट होगी। अब देखो रीजन ए के अंदर हम देख रहे हैं कि रीजन ए में हमें क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस रेट भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब लाइट इंटेंसिटी फोटोसिंथेसिस रेट इज डिपेंड ऑन द लाइट इंटेंसिटी। सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर लाइट इंटेंसिटी क्या काम कर रहा है एज ए लिमिटिंग फैक्टर, क्योंकि फोटोसिंथेसिस रेट किसके ऊपर डिपेंड करती है, लिमिटिंग फैक्टर के ऊपर। तो रीजन ए के अंदर हम देखते हैं कि जो लाइट है वो क्या है, इज अ लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है, लिमिटिंग फैक्टर। अब देखो बी पॉइंट में भी हम क्या देख रहे हैं, बी पॉइंट जो यहाँ पे है वहां पे भी लाइट इंटेंसिटी जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस रेट इंक्रीज ही हो रही है, ये इंटरमीडिएट हो गया, ठीक है, ए और सी का। और रीजन बी में भी हम कह सकते हैं कि रीजन बी में भी लाइट क्या है, एज ए लिमिटिंग फैक्टर है, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे बढ़ रही है फोटोसिंथेसिस रेट। बट एक पॉइंट ऐसा आया डी पॉइंट जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिमम लाइट, ऑप्टिमम लाइट, और इस लाइट पे जो फोटोसिंथेसिस रेट है वो मैक्सिमम होती है। सी पॉइंट जहां पे लाइट इंटेंसिटी काफी ज्यादा है बट फोटोसिंथेसिस रेट कॉन्स्टेंट हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे अदर फैक्टर जो है, ठीक है, अदर फैक्टर्स लाइक CO2, टेम्परेचर क्या हो गए, लिमिटिंग फैक्टर्स हो गए, ठीक है, यहाँ पे लाइट इंटेंसिटी लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, ठीक है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।